नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन की। विधानसभा चुनाव में फिर बहुमत हासिल करने के लिए बीजेपी अलग अलग वर्गों को मजबूती से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। योजनाओं और नीतियों से दलित और पिछड़ों के साथ किसानों को साधने की जुगत है, तो आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए अलग से मोर्चाबंदी की जा रही है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की गई। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीवासन और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसका उद्घाटन किया, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने समापन समारोह को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्या, मोर्चा प्रभारी विजय बहादुर पाठक, सह प्रभारी अंजुला मोहर और प्रदेश महामंत्री रश्मि रावल, कृतिका अग्रवाल और पूजा मौर्य भी उपस्थित रही। तो बीजेपी महिला मोर्चा की कार्य समिति में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और संबोधित किया। महिला मोर्चा के पास बड़ी जिम्मेदारी वो कहते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि 2022 का चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में किसानों को साधने की कोशिश हो रही है और जातीय समीकरण भी पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ महिला मोर्चा को लेकर भी लगातार कार्य समिति की जा रही है, कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और अब खबर मेरठ से है, जहां शहर की सड़कों का हाल बेहाल है। आए दिन कई लोग इन खराब सड़कों का शिकार बन जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी अधिकारी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मेरठ कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। घेराव करते हुए सपा नेताओं ने एक हफ्ते के अंदर सड़कों की हालत सुधारने की चेतावनी दी। और इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर चेतावनी के बाद भी काम नहीं हुआ तो आगे उग्र आंदोलन करते हुए भूख हड़ताल पर बैठने को हम बाध्य होंगे। मेरठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर और सड़कों के दुष्टीकरण को लेकर लगातार सपा प्रदर्शन करती हुई और कलेक्ट्रेट का घेराव करती हुई नजर आ रही है। तो सड़कों की हालत बदहाल है, ऐसे में सपा जो कार्यकर्ता हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं और मांग कर रहे हैं कि सड़कों को दुरुस्त किया जाए। आज समाजवादी पार्टी के बैनर तले शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का वादा योगी जी ने किया था, लेकिन आज आप पूरे शहर का हाल देखिए, सड़कें ही नहीं है, तमाम गड्ढे पूरे शहर में है। नगर आयुक्त साहब को, नगर निगम प्रशासन को कई बार इस बात से अवगत करा चुके हैं कि आप शहर का दौरा कीजिए और देखिए कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, लेकिन नगर आयुक्त साहब एक मानसिकता के चलते इस काम में कोई भी आगे की प्रतिक्रिया नहीं बढ़ा रहे। आज जनता डीएम साहब के पास आई है और 8 दिन का मोहलत दी गई है कि जिन रोड के टेंडर पास हो चुके हैं, पैसा रिलीज हो चुका है, उनको तत्काल प्रभाव से काम शुरू किया जाए। अगर 8 दिन के अंदर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है और नगर आयुक्त इस बात में कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ बोलते हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोग डीएम साहब के यहां पर भूख हड़ताल पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। जहाँ एक ओर बरेली शहर को विकास कार्यों की नई नई सौगातें मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहर के कुछ हिस्सों में जहाँ जनप्रतिनिधियों का ध्यान तक नहीं जा रहा, तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ हाथ में कटोरा गले में तख्ती डालकर स्कूल और सड़क निर्माण की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने वाला ये युवक एक समाज सेवी है, जिसका साफ तौर पर कहना है कि ना तो हमारे गांव में कोई स्कूल है, ना ही सड़क बन रही है। गांव के लोगों को ना तो शिक्षा का अधिकार मिला है और ना ही अच्छी सड़कों पर चलने का सुख। उसका कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं और अगर यहां भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा समाज सेवी, मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां से ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मेरी मांग है शासन और प्रशासन से, दो गांव हैं भोजपुरा विकासखंड के अंतर्गत, एक गांव है महमापट्टी, दूसरा गांव है सालेपुर। इस गांव में आज तक ना तो प्राथमिक विद्यालय बना है और ना इन गांव को जाने के लिए कोई सड़क है। सरकार के दावे हैं कि हम सबको शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं, मगर ये बिल्कुल झूठ है। ना शिक्षा का अधिकार है, ना हाईवे से जोड़ने वाली सड़क। इन गांवों के लिए पिछले 5-6 सालों से प्रयास रहता, काफ़ी बार मैंने लिखित में दिया, लखनऊ तो गया, मगर मेरी आज तक कहीं भी नहीं सुनी गई।
इसीलिए मैं आज जनप्रतिनिधियों को और शासन और प्रशासन को आईना दिखाने के लिए ये कटोरा और तख्ती लिए खड़ा हूँ यहाँ, कि लोग देखें, पता लगे कि यहाँ वास्तव में यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने मक्कार हैं और शासन और प्रशासन कितना सुस्त है। और अब खबर मुरादाबाद से, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब तालाब में करंट उतरने से एक युवक की मौत हो गई और साथ में 13 मवेशियों की तड़प तड़प कर जान चली गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया और जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ की, जिस पर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही के कारण मौत होने का आरोप लगाया। पूरा मामला कुंदरकी थाना क्षेत्र के चितेरी गाँव का है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तालाब में करंट उतरने से ग्रामीणों में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। करंट की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई, वहीं 13 मवेशियों की भी मौत हो गई है। पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बिजनौर में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देशन में अवैध शराब बनाने वाले शराब माफियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि बिजनौर सीओ अफजलगढ़ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव मसनपुर में शराब माफियाओं की तरफ से अवैध कच्ची शराब की भट्टी लगाकर कच्ची शराब बनाकर सप्लाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बना रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 25 लीटर अवैध कच्ची शराब और 300 लीटर लहन शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इसी के साथ ही पुलिस की तरफ से इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देश पर बिजनौर में अवैध शराब बनाने वालों की धरपकड़ लगातार जारी है, यानी कि अवैध रूप से जहां शराब बनाई जा रही है उन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। शराब बनाने वाली माफियाओं पर भी धरपकड़ लगातार की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उच्चाधिकारी गणों के निर्देशानुसार जनपद बिजनौर पुलिस निरंतर जो है अवैध शराब निर्माताओं, बिक्री करने वालों एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध जो है अभियान चलाए हुए है। इसी क्रम में कल दिनांक 5 तारीख को सीओ अफजलगढ़ को सूचना मिली थी कि महसन गांव में जो है कुछ लोग अवैध शराब बना रहे हैं। इस क्रम में वहाँ जो है थाना अफजलगढ़ की पुलिस ने दबिश दिया और वहाँ से 25 लीटर अवैध शराब कच्ची और करीब जो है 300 लीटर लहन को वहाँ नष्ट किया। इसके अलावा वहाँ शराब बनाने का उपकरण बरामद हुआ। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए केंद्र तक नहीं जाना होगा। ऐसे मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी जाएगी। 80 साल से ज्यादा और दिव्यांग मतदाताओं के पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सहूलियत मिलेगी। इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। हरदोई में 51,000 बुजुर्ग, 18,383 दिव्यांग चिन्हित हैं। एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि आयोग ने से मिले आदेश के बाद सभी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तो घर से मतदान कर सकेंगे बुजुर्ग और दिव्यांगजन। 51,000 बुजुर्ग और 18,383 दिव्यांग चिन्हित किए गए हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर ये तैयारियां जोरों पर देखी जा सकती हैं। इस समय और पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश भर में पुनरीक्षण चल रहा है मतदाता सूची का। मतदाता सूची में जो लोग 1 जनवरी 2021 को 18 साल हो चुके हैं और वो मतदाता बनने के लिए अर्ह हैं, वो फार्म 6 भर करके मतदाता बन सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या कोई बाहर चला गया है, किसी लड़की की शादी हो गई है, तो उनका फार्म 7 भर करके विहित प्रक्रिया के अंतर्गत उन लोगों के नाम विलोपित किए जाएंगे। ये प्रक्रिया चल रही, किसी के नाम में कोई संशोधन होना है तो फार्म 8 के माध्यम से संशोधन की कार्रवाई पूरे जिले भर में चल रही है। तो हरदोई का ये पूरा मामला, जहां पर अब घर से मतदान कर सकेंगे बुजुर्ग और दिव्यांगजन। दरअसल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आयोग की तरफ से तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में हरदोई में 51,000 से ज्यादा बुजुर्गों को चिन्हित किया गया है, वहीं 13,000 से ज्यादा दिव्यांग लोगों को चिन्हित किया गया है।
उनको अब मतदान केंद्रों पर यानी कि बूथ तक जाने की जरूरत नहीं है, पोस्टल बैलेट से वो अपना मतदान कर सकते हैं, अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उन्हें सहूलियत मिल सके, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक मासूम की जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मासूम के पिता ने बताया कि बच्ची को बुखार आने पर उसका दवा दिलाने के लिए झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक गए थे, जिसके बाद झोला छाप डॉक्टर ने मासूम को इंजेक्शन लगाया और मासूम की तबीयत बिगड़ती चली गई। दवा खिलाने के तुरंत बाद मासूम की जान चली गई। वहीं झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार बताया जा रहा है। आगरा का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। इन दिनों अगर आगरा की मैं बात करूं तो आगरा में क्राइम का ग्राफ अपने चरम पर है, जहां जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है, जहरीली शराब की वजह से लोगों की जान जा रही है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। वहीं अगर इस मामले की मैं बात करूं तो इस मामले में झोला छाप डॉक्टर ने एक मासूम की जान ले ली है। इसके अलावा चोरी, डकैती, लूट, हत्या, तमाम मामले ऐसे हैं जो आगरा से लगातार सामने आ रहे हैं। आगरा से मामला सामने आया जहां पर एक मासूम बच्ची को इलाज कराने के लिए इस क्लिनिक पर ले जाया गया था, लेकिन झोला छाप डॉक्टर ने उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा परिवार वालों का आरोप लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से मासूम की तबीयत और ज्यादा खराब होती चली गई। जब आखिर में उसे दवा दी गई तो दवा खाने से मासूम की जान चली गई। वहीं उरई के मोहल्ला राजेंद्र नगर में शुक्रवार की रात को सागर गुप्ता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। शनिवार को पुलिस ने पंचनामा भर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बाद में उसके खिलाफ उसकी पत्नी पूजा की तहरीर पर मारपीट और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सागर ने पूजा के साथ प्रेम विवाह किया था, पर पत्नी का आरोप है कि सागर उसके साथ मारपीट किया करता था। इस पूरे मामले में पुलिस की चूक ये हो गई कि जो व्यक्ति मर चुका था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोतवाल विनोद कुमार पांडे का कहना है कि तहरीर मिली थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। जालौन का एक पूरा मामला है जहां पर पुलिस से बड़ी चूक हुई है, पुलिस ने मुर्दे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो जालौन से एक खबर सामने आई है जहां पर कुछ दिन पहले ही एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद शनिवार को उसका पोस्टमार्टम किया गया था। इसके बाद उसकी पत्नी ने एक मुकदमा दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब पहले ही सागर की मौत हो चुकी है तो उसके खिलाफ मुकदमा कैसे लिखा जा सकता है। तो दरअसल रई के मोहल्ला राजेंद्र नगर में शुक्रवार की रात को सागर गुप्ता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। शनिवार को पुलिस ने पंचनामा भर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बाद में उसके खिलाफ उसकी पत्नी पूजा की तहरीर पर मारपीट और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सागर ने पूजा के साथ प्रेम विवाह किया था, पर पत्नी का आरोप है कि सागर उसके साथ लगातार मारपीट किया करता था। इस पूरे मामले में पुलिस की चूक ये है कि जो व्यक्ति मर चुका था उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो तहरीर मिली थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया, पुलिस का कहना है, और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार का कहना है कि मामले की जांच भी आगे कराई जाएगी। देखिए, ये जो प्रकरण उरई थाना उरई का है, उसमें वाकयात कुछ इस प्रकार से है कि एक महिला ने प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें महिला ने आरोप लगाए थे कि एक व्यक्ति उसको प्रताड़ित कर रहा है, उससे 2 लाख रुपए की मांग कर रहा है, जबरदस्ती शादी करना चाहता है और उसको धमका रहा है और जीवन बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। क्योंकि महिला संबंधी अपराध की सूचना है ये और मिशन शक्ति चल रहा है, तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, संज्ञान लेते हुए FIR पंजीकृत कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान ये वाकया 4 सितंबर 2021 का है। 4 सितंबर 2021 को ही जब FIR पंजीकृत कराई जा रही थी और 4 सितंबर 2021 को ही लड़के ने फांसी लगा ली है। चूँकि ये FIR पंजीकृत हो गई और लड़के की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्युपरांत इस FIR को खत्म करा दिया गया है, FIR लगा दी गई है। साथ ही साथ ये पूरे प्रकरण की जांच एडिशनल SP जालौन को सौंप दी गई है और थाना प्रभारी उरई को पुलिस लाइन स्थानांतरित करके आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है।
और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दबंग बीजेपी नेता व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष मकान पर कब्जा करने के लिए पहुंचे। बीजेपी नेता सत्ता की हनक और दबंगई के बल पर मकान पर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मकान में रह रहे लोगों से विवाद भी हुआ और साथ ही विवाद के चलते भाजपा नेता और व्यापार मंडल अध्यक्ष ने अपने दबंग साथियों के साथ एक दूसरे पर ईंट पत्थर भी बरसाए। ये पूरी घटना मेन चौक घंटा घर पर हुई। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। फर्रुखाबाद का एक पूरा मामला, जहां पर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष के मकान पर कब्जा करने को लेकर बवाल हो गया। मकान पर कब्जा करने पहुंचे बीजेपी नेता दबंगई दिखाते हुए नजर आए। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर भी चले हैं। फर्रुखाबाद की तस्वीरें आप देखते हैं, इसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो फर्रुखाबाद में लगातार दबंगों की दबंगई देखने के लिए मिल रही है। और अब खबर ये है कि फर्रुखाबाद से, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं, आपको बता दें कि दबंग बीजेपी नेता व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मकान पर कब्जा करने के लिए पहुंचे। बीजेपी नेता सत्ता की हनक और दबंगई के बल पर मकान पर कब्जा करना चाहते थे। इस दौरान मकान में रह रहे लोगों के साथ उनका विवाद भी हुआ और साथ ही विवाद के चलते भाजपा नेता और व्यापार मंडल अध्यक्ष ने अपने दबंग साथियों के साथ एक दूसरे पर ईंट पत्थर भी चलाए। ये पूरी घटना मेन चौक घंटाघर की बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही और तमाशा देखती रही। सहारनपुर के देवबंद थाना इलाके के गांव थीती का है ये पूरा मामला, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने फेक एनकाउंटर करके युवक को मौत के घाट उतार दिया और उस मुठभेड़ का नाम दे दिया। पुलिस प्रशासन की पोल खोलते हुए ग्रामीणों ने बताया कि मृतक पर आज तक किसी तरह का कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, युवक की मौत के बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान को युवक को गोली लगने की और अस्पताल में भर्ती करने की बात कही और आधे घंटे के अंदर ही युवक के मौत की सूचना दी। वहीं इस पर जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो वो कुछ भी बयान देने से बचते दिखाई दिए। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि तीतकी गांव में बड़े पैमाने पर गौकशी हो रही थी और जैसे ही पुलिस तीतकी गांव में जंगलों में पहुंची तो वहां मौजूदा लोगों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। वहीं फायरिंग करने वाले लोग पुलिसकर्मियों की संख्या देखकर फरार हो गए और पुलिस जैसे ही आगे बढ़ी तो देखा कि वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम जिशान बताया जा रहा है, वो घायल हालत में था। उसके पांव में गोली लगी थी। पास में ही करीब 2.5 क्विंटल गौमांस भी पड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि मृतक सपा के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री का चचेरा भाई था, जिसकी गौकशी पुलिस से मुठभेड़ में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और राजनीतिक दलों ने कई तरह के सवाल भी उठाए हैं। सर मेरे पास रात तकरीबन 2:30 बजे 2:30 बजे दो पुलिस वाले आए चौकी के जो रहते उधर, तो उन्होंने मुझे उठाया रात में, मोट के उनके पास आया तो उन्होंने बोला चलो मेरे साथ चलो। मैंने पूछा भाई क्या बात हो गई, तो उन्होंने बताया कि कुछ गौकशी का मामला, चलो आप। तो मैं उनके साथ में वहाँ जैसे गया तो वहाँ पहुँचा, वहाँ पे तो कोई नहीं था। गाँव का जो पुराने जो प्रधान थे वो अवेश वो थे वहाँ पे, उधर एक वो था काला था लड़का और बाकी जो पुलिस वाले थे वो घटनास्थल पर पहुँच कर हमने जो देखा वो वहाँ जो मीट वीट था यही देखा अभी, और बाकी जो है उसके बाद 4 बजे के करीब एक घंटे के उसमें चलता रहा वो GCB मंगाने के लिए बोल रहे मुझे, मैं फ़ोन वोन किया इधर उधर तो GCB 1.5 घंटे के बाद आई। उसके बाद में जो है दुर्गा जी ने मुझे बताया भाई ये जीशान और एक वो पकड़े हुए हैं। मैं कल बाहर गया हुआ था, मैं रात 2:30 बजे अपना देवबंद में हमारा रेजिडेंट है, मैं आके वहाँ लेट गया। 5:45 बजे मुझे सूचना मिली गुलबहार प्रधान जी जो मौजूदा प्रधान है तीत की गए, उनका फ़ोन आया कि जीशान के पैर में गोली लग गई और वो सरकारी अस्पताल में देवबंद है। मुझे दीवान जी ने जो दीवान जी गोपाली चौकी के हैं उन्होंने सूचना दी। इनके फ़ोन आने के 2-4 मिनट बाद ही दीवान जी अफजल और दरोगा जी असगर अली ये हमारे मकान पर देवबंद पहुँचे। उन्होंने हमें सूचना दी कि रात ऐसा ऐसा हो गया और आपके जो भाई हैं वो सरकारी अस्पताल में हैं। उसके बाद बैठे बात कर ही रहे थे, उसके 20-30 मिनट बाद इन्होंने हमें बताया कि उसकी डेथ हो गई। देखिए कुछ समझ में नहीं आया, मैंने भी कल चूँकि सुबह ही 7 बजे मेरे पास भी फ़ोन आया था और फिर उनके परिवार के जो लोग हैं, चूँकि उनके परिवार को मैं जानता हूँ वहाँ के प्रतिष्ठित लोगों में हैं,
तो गोकश हो सकता है वो, ये मुझे भी यकीन नहीं होता कि वो गोकश हो सकता है, चूँकि बड़ा अच्छे काश्तकार हैं वहाँ के, और पुलिस ने जो बताया क्योंकि वहाँ मांस भी बरामद हुआ और वहाँ के प्रधान चारों तरफ के वो इकट्ठा होकर गए, उनके सामने मांस भी बरामद हुआ और वो लड़का जो था जिसके गोली लगी थी वो मृत अवस्था के अंदर यहाँ पर आया। तो ये सारी बातें हैं, मैंने रात भी कहा था और कप्तान साहब ने मुझसे कहा कि हम बहुत बारीकी के साथ जांच करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग इसे जांच करके हर पहलू को उजागर करेंगे, क्योंकि कुछ संदेह हैं, जो संदेह काफ़ी हद तक गांव वालों को, मैंने आए थे सब लोग उनके साथ बात करके भी हम लोगों ने कहा कि हम ये तो नहीं कहते कि किसी भी सूरत के अंदर किसी को भी मारा जाना इस तरह से जायज़ है, लेकिन जिस तरह का ये प्रकरण हुआ है, बहरहाल गोकशी के ऊपर हर तरह हर सूरत में प्रतिबंध लगना चाहिए। देखिए, थाना देवबन क्षेत्र में गांव पड़ता है ठिठकी, इसमें ये परसों रात की घटना है जिसमें कि पुलिस के पास सूचना थी मुखबिर द्वारा कि वहां पर गोकशी हो रही है ठिठकी गांव से बाहर, जिस पर हमारी चौकी का फोर्स और थाने का फोर्स वहाँ पर गया था। इनके द्वारा जब उन लोगों को गोकशी के क्षेत्र जहाँ पर हो रही थी वहाँ पर घेरा गया, तो गाँव के जो वहाँ पर करीब जो लोग थे उनके द्वारा ये पता चलने पर उनके द्वारा भागने की कोशिश करी गई और भागते हुए पुलिस पार्टी पर फायर करने की कोशिश करी गई, जिसमें कि पुलिस द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो एक आदमी को पकड़ लिया गया और एक आदमी को जब देखा तो वहाँ उसके पैर में गोली लगी हुई थी, जिसको उपचार के लिए तुरंत ही अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल भिजवाने पर वहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया, जिस पर कि हम लोगों ने अभी पूरी इसमें FIR पंजीकृत किया है और उनके खिलाफ आगे वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में पिता की मौत के बाद दर दर भटक रहा बेटा। पूरा मामला लोहिया अस्पताल का है, जहां पिता की सरकारी नौकरी पाने के लिए मृतक का बड़ा बेटा दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके लिए युवा सरकारी कार्यालयों के कई महीनों से चक्कर लगातार लगा रहा है, लेकिन जिले के उच्च अधिकारी से लेकर चौकी थाने तक उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। बता दें कि पिता की मौत के बाद फर्जी हस्ताक्षर कर भाई की नौकरी पर अपना कब्जा जमा लिया और जब पीड़ित ने इसकी शिकायत की तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फर्रुखाबाद का ही पूरा मामला है, जहां पर एक युवक जो है दर दर भटकता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल फर्जी हस्ताक्षर कर एक भाई ने ही अपने दूसरे भाई की नौकरी पर कब्जा कर लिया। और अब खबर सहारनपुर से, जहां 48 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। बता दें कि जमीन को लेकर एक महिला ने अपने देवर के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की और 48 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए आरोपी और उसके देवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, पुलिस की कामयाबी से SSP खुलासा करने वाली टीम को 10,000 का इनाम देने की घोषणा भी करते हुए नजर आए। इसी माह 4 तारीख को थाना चिलकाना के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का जो हत्या हुई है, उस संबंध में थाना चिलकाना द्वारा मौके पर पहुंचकर वहां पंचायतनामा और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और पोस्टमार्टम में इस व्यक्ति का गला घोटने से हत्या होने की बात आई थी। तो इसमें इन्होंने लगातार काम करके आज इस घटना का खुलासा कर दिया है। इसमें मृतक का पत्नी और मृतक का भाई का गिरफ्तारी हुई है और ये बात आई है कि मृतक अभी जो 3 बिस्सा जमीन खरीदा था और इसके भाई ने उसी जमीन को हड़पने के लिए उनके पत्नी के साथ साजिश करके इन्होंने दोनों मिलके इसका गला दबा के हत्या कर दी गई थी। दोनों का गिरफ्तारी हुई है और इन्होंने पूरा घटना कैसे किया है, अंजाम दिया था इसका बताया है और भी जो साक्ष्य संकलन का कार्रवाई शेष है और दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।